press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका टेक्निकल प्रो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सबको एक नया जीमेल या ईमेल अकाउंट बनाना सिखाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप उससे कहीं भी लॉगिन या साइन अप कर पाएंगे, वो बेहद आसानी के साथ। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि प्लीज वीडियो को स्किप मत करना। तो आइए अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले आपको सेटिंग खोलनी है। यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको गूगल दिखेगा, गूगल पे क्लिक करना है, साइन इन वाले बटन पे क्लिक करना है। फिर जैसे ही ये लोड हो जाएगा, उसके बाद आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, माई सेल्फ पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको मैं एक टेस्ट अकाउंट बना के दिखाने वाला हूँ। तो मैं जैसे ये लिख देता हूँ यहाँ पे टेस्ट और यहाँ पे अकाउंट, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना है, जिसको आप बाद में चेंज कर पाएंगे। और आपको इसके लिए एक फोन नंबर की भी जरूरत पड़ेगी, जिसपे आपका एक ओटीपी आएगा। फोन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर थोड़ा ओटीपी आएगा आपके पास और वेरीफाई हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह भरना पड़ेगा। आप कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे, बस जो भी डालें वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए। तो आप कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे। जेंडर पे क्लिक करके मैं रेदर नॉट टू सिटी क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ नेक्स्ट पे। अब आपका यहाँ पे जीमेल आईडी क्रिएट होने वाला है। आपको यहाँ पे अपना खुद से एक नया आईडी चूज करना होगा, बनाना होगा। तो जैसे मैं अब डालने वाला हूँ, कोई भी यूनिक डालना पड़ेगा, लेकिन आपको फिर डाल देगा, देखता मैं ये काम करेगा या नहीं करेगा। मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, हाँ ये काम करेगा। अब मैं पासवर्ड पे आने के बाद पासवर्ड डालना पड़ेगा आपको अपना। मैंने पासवर्ड डालने के बाद आपको पासवर्ड कंफर्म करना पड़ेगा। पासवर्ड कंफर्म कर दिया, आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे सबसे नीचे आके ऐड फोन नंबर, आप चाहे तो फोन नंबर ऐड कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते। अभी के लिए मैं इसे स्किप कर देता हूँ। ये आपका नया जीमेल आईडी तैयार हो चुका है। आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सबसे लास्ट में आके अग्री पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जैसे ही ये लोड हो जाएगा, आपका एक नया जीमेल आईडी, फिर यहाँ पे बैकअप ड्राइव के लिए एक्सेप्ट कर लेंगे आप लोग। फिर आपका जी आईडी तैयार हो चुका है। अब आप जीमेल पे जाएंगे और जीमेल आराम से चला पाएंगे। देखिए, अब आपने जो आईडी बनाया था वो आईडी तैयार हो चुका है। ये आपका आईडी तैयार हो चुका है यहाँ पर टेस्ट अकाउंट। तो यहाँ से आप जीमेल यूज़ कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके जाना और सब्सक्राइब बटन जरूर दबा कर जाना। थैंक यू।